नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय परना पंचायत में एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी हां, एक बहुत बेहतर छवि के बताए जा रहे थे उम्मीदवार रविंद्र कुमार निराला, जिन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ना तो तय जरूर कर दिया था, लड़ने की पूरी तैयारी थी और हमने आपको उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाया था। लेकिन जैसे ही आज हम परना पंचायत पहुंचे तो एक बात सामने नजर आ गई, जिसमें कहा जा रहा है कि अब रविंद्र कुमार निराला चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। एक ईमानदार छवि के नेतृत्वकर्ता होने के नाते लोगों में थोड़ी सी मायूसी जरूर देखी जा रही है। इसी बीच हमारी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के महासचिव दावर खान जी से हो गई। इनकी भी छवि बहुत खास है इस पंचायत के लिए और इन्होंने काफ़ी कुछ समाज को दिया भी है, खास करके शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत बेहतर इनका रोल रहा है, समाज को एकजुट रखने में भी अच्छा रोल रहा है। हम जानेंगे कि एक ईमानदार छवि के नेता रविंद्र कुमार निराला माने जाते थे इस क्षेत्र में पंचायत स्तर पर, लेकिन आखिर क्या वजह हो गई कि वो मैदान से भाग खड़े हुए। शुक्रिया आपका, आपके चैनल के माध्यम से मैं परना पंचायत के दावर खान। निराला जी चुनाव में आए थे लड़ने के लिए कि चुनाव हम लड़ें पंचायत में मुखिया के पद पे, लेकिन निराला जी आपने भी बोला कि जिस छवि से वो आते हैं और ईमानदार नेता के रूप में वो आए थे परना पंचायत को कुछ देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई उनके टीम के अंदर ही कि मतों का मतभेद हुआ, जिसकी वजह से वो चुनाव लड़ना तो चाह रहे थे लेकिन परना पंचायत की जो भविष्य तय करना चाह रहे थे, सही दिशा में ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वैसा हो न सका और वो अब राजनीति यानी मुखिया पद से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वो अपना उनका व्यक्तिगत फैसला रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि परना पंचायत के जो भी उम्मीदवार आएँ, हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम का एकता सदियों से बना रहा है, बरकरार रहा है और वो एकता आगे भी बना रहे, इसके लिए परना पंचायत में अच्छे उम्मीदवारों की ज़रूरत है और उम्मीदवार वही हो सकता है जो गांव की अच्छी सोच अच्छी दिशा में ले जाना चाहेंगे, अच्छा भविष्य तय करना चाहेंगे, उन्हें आगे चल के आना पड़ेगा और लोगों की जो भी समस्या है उस समस्याओं का समाधान करने के लिए अच्छे लोगों का गांव में चुनाव लड़ना वाजिब बनता है। हम चाहेंगे कि गांव में जनता से अपील करते हैं कि अच्छे लोगों का चयन करें, अच्छे लोगों को वोट दें। उसमें अच्छे लोगों में आपकी भी छवि किसी से ख़राब नहीं है और एक बड़े तबके का नेतृत्व आप कर रहे हैं, एक बड़ी पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या राष्ट्रीय पार्टी पंचायत स्तर पर अपना प्रतिभा नहीं दिखाएगी क्या? ज़रूर हम राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन पंचायत का चुनाव है, पंचायत के चुनाव में पंचायत के लोग निर्णय करते हैं और हमारी जो भी छवि है वो अपने मुंह से तो नहीं। सवाल परना के ईमानदारी पर लगा है, सवाल खड़ा हो गया है कि परना में ईमानदार लोगों को सम्मान नहीं किया जाता है, तभी तो वो भाग गए। कहीं ना कहीं सबका अपना अपना नज़रिया है और सब परना पंचायत के लोग हैं, मतदाता हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग कम संख्या में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि परना का अच्छा विकास हो, अच्छा दिशा में चले, लेकिन उन सबों को जनता अक्सर लोग कहा करते हैं मालिक होता है, फैसला
उन्हीं के द्वारा होता है कि गांव को किस दिशा में ले जाए, किन आदमी को अपना मुखिया चुने, अपना नेतृत्वकर्ता चुने, तो जनता फैसला जो करेगी। हम चाहते हैं कि गांव का हम ही नहीं इस गांव में उम्मीदवार जो होगा, जनता तो फैसला उसी उम्मीदवार में से करेगी ना। जी जी। तो जब ईमानदार लोग बाहर जाएंगे, आपके जैसे लोग जो समाज में हमेशा बने रहते हैं, समाज के किसी भी काम को अपनी जिम्मेदारी समझ करके आप आगे बढ़ जाते हैं, आप जेल जाने तक का डर नहीं रखा अपने विद्यालय के निर्माण में, तो ऐसे लोग पंचायत चुनाव से भागे क्यों हैं? देखिए, भागे हम नहीं हैं चुनाव से, लेकिन घोषणा क्यों नहीं कर रहे कि चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे पंचायत में जो उलट फेर का दौर चलता चला आया है, अब तक जो जो उम्मीदवार थे अपनी उम्मीदवारी कायम किए हुए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो प्लेन लोग होता है और वो गांव को अच्छी दिशा दिखाना चाहता है, तो वो लोग अपनी सोच को तो आगे बढ़ाते हैं कि हम परना पंचायत को एक नए दिशा में ले चले, अच्छी दिशा दिखाएं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका सोच है कि गांव में फूट डालो, शासन करो, वो स्थिति नज़र आ रहा है। लेकिन परना की जनता अच्छी है और वो सही निर्णय करेगी। वो मैं नहीं कहता हूँ कि हम ही को चुना जाए, हम ही को प्रतिनिधि बनाया जाए, लेकिन जनता जिन्हें भी चुने, 5 साल में एक बार मौका मिलता है जनता को। अच्छा, आप खुद को जनता मानते हैं कि उम्मीदवार मानते हैं? हमारी भी उम्मीदवारी अब तक बनी हुई है कि चुनाव हम लड़ेंगे। और इतना ना, आपको मैं पहले भी कहा था कि नागेश्वर महतो, रविंद्र कुमार निराला जी, अमरेश महतो भी चुनाव लड़ने की तैयारी किया था, लेकिन तमाम लोग अपनी उम्मीदवारी को रखा, परना पंचायत में अपनी बात भी रखा और लोगों को संदेश भी दिया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अंत में अपना कदम पीछे किया। तो अब क्या करेंगे? लेकिन हमारी सोच है कि हम जिस चीज़ से जाने जाते हैं और हमारी सोच लोगों को लेकर चलना है, हम किसी पद पर रहें तब भी, किसी पद पर ना रहें तब भी, हमें जनता अगर पद देती है, सम्मान करती है, तो जनता को सर आँखों पे। और हमारा लक्ष्य रहेगा, अगर परना पंचायत हमें नेतृत्व करने का मौका देती है, तो गांव की जो बनावट है, जो गांव में कमियां हैं अब तक, जो भी पूर्व से लेकर वर्तमान तक जो मुखिया नहीं कर पाए, हम चाहेंगे कि वो न्यायपूर्वक अपने ईमानदारी के साथ आपके इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में मैं काम करूँगा अगर हमारी उम्मीदवारी बनी रही। और हम उम्मीदवार अपने आप छोड़ा नहीं है, अभी समय है। देहात में एक कहावत है, लोग कहते हैं कि काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन। आपकी हर बातों में अगर मगर लेकिन, ये तीन चीज़ें हमेशा बार बार आ रही हैं। इसका कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उम्मीदवारी की बात करके आप भी निराला जी की भांति फील्ड छोड़ के भाग जाएंगे? देखिए, हम नॉमिनेशन कराने के बाद चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह देता है, उसके बाद वापसी का तो वक्त दिया जाता है, उसके बाद चुनाव चिन्ह दिया जाता है। अगर चुनाव चिन्ह हमें मिला, सबको जानकारी मिल जाएगा कि दावर खान परना पंचायत से मुखिया पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, अपनी जनता से? जनता से हमारी यही अपील है कि अच्छे लोगों को मौका दें। हमारे गांव में अब तक जो भी मुखिया बने हैं, पूर्व हों या वर्तमान हों, वो अब तक सिर्फ अपने के लिए सोचा है, अपने झोली ही भरा है। और जो लोग झोली अपना भरेंगे, वो जनता के
समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो जनता को यही अच्छे व्यक्ति की दरकार है, तो एक अच्छे व्यक्ति को लाएं। और मेरा वादा है कि हम चुनाव में अगर चुनाव चिन्ह लेके आते हैं तो मेरा वादा है कि परना पंचायत में हमें अगर मौका मिलता है तो हम एक एक काम अपनी ईमानदारी से करेंगे, और जो गरीब हैं सरकार का जो योजना है उस योजना को डायरेक्ट उनके खाते में, ऐसे एक कहावत है कि मुखिया ने दिया, लेकिन कोई मुखिया देता है नहीं किसी योजना को। सरकार का जो गाइडलाइन है, जो आरक्षण है, जो पैसा है इंदिरा आवास हो या जो भी मिलता है जनता को, लेकिन एक कहता है कि मुखिया ने दिया, लेकिन मुखिया ने क्या दिया? मुखिया कुछ नहीं देता है, सरकार का योजना है वो देगा ही, वो लेगा ही, पंचायत के जो भी आम नागरिक हैं, तो वो सीधा डायरेक्ट उनको पीछे बिचौलिया जो बीच में खाता है। तो आप नामांकन कराने जा रहे हैं, इसकी जानकारी अपनी जनता को दीजिए। हम तो पहले ही बोला कि जैसे ही हम नॉमिनेशन कराएंगे मेरा सिंबल आएगा। लोग ये जान रहे हैं कि दावर खान चुनाव लड़ सकता है और लड़ेगा। सकना वाला बात खत्म नहीं होगा क्या? देखिए, जब तक दुविधा बनी रहेगी, इसलिए कि 25 तारीख तक नॉमिनेशन कराने का डेट है, हम अपनी उम्मीदवारी को बरकरार रखे हुए हैं। और जनता में जो ये मैसेज गया है कि लोग खड़े तो होते हैं, अच्छे लोगों को सपोर्ट भी किया, लेकिन अंत में वही बात होता है जो पहले तस्वीर नज़र आई थी वो अब नज़र आई। मामला जो भी हो, जिस कारण से वो बैक हुए हों, ये चर्चा जनता के बीच में चल रही है। तो हम भी कहीं न कहीं लोगों के मन में ये होगा कि दावर खान फिर उम्मीदवारी करके बैक हो जाएंगे, तो हम वैसे प्रत्याशी नहीं रहेंगे कि अपनी उम्मीदवारी को पेश करते हुए चुनाव चिन्ह लेकर के और वो बैठ जाएं, वैसी बात नहीं रहेगी। हम चुनाव लड़ेंगे, जनता हमें जिस भी वोट से, जिस रूप में हमें नवाजता है, हमें वोट देता है, मैं जनता को वोट हमें करती है जनता तब भी उनका सम्मान है, जनता हमें वोट नहीं करती है तब भी उनका सम्मान है, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है कि परना पंचायत को सही दिशा में ले जाएं और एक रूप रेखा खींचें परना पंचायत में, वो मेरा आगे भी बिना कोई पद पे, बिना कोई लालच के मैं करता रहूँगा आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। निराला जी हैं, मैदान में थे, अचानक मैदान से बाहर निकल गए, खुद से निकल गए, किसी ने निकाला नहीं। लेकिन सवाल खड़ा हो गया कि आखिर निकले क्यों, मैदान क्यों छोड़ दिया? चूँकि हम चुनाव पूर्व से भी 16 के भी चुनाव हम नहीं लड़े, जबकि 11 के चुनाव हम कंटेस्ट रहे, हम बेहतर उम्मीदवार आने के वजह से उस समय भी सोचे कि बहुत बेहतर हैं, इसलिए हमने चुनाव फेस नहीं किया था 16 में। फिर जो निर्वाचित हुए जनता जिन उनके ऊपर जो विश्वास किया, बहुत बेहतर नहीं निकले, बहुत उनमें बहुत कमी। आप मैदान क्यों छोड़े ही बताइए। बस उसी पॉइंट पर आ रहे हैं सर जी। तो फिर इस चुनाव में भी हम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, सारे लोग हमको तैयार किए कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपका स्वच्छ छवि है, अच्छा छवि है, आपके आने से ही पंचायत का नेतृत्व सही दिशा में चलेगा। और तैयारी पूर्व से अमरेश कुमार और नागो भाई जो हैं, जो बगल में हैं, इन्होंने किया था। फिर दोनों आदमी का रजामंदी हुआ और सारे लोग बैठे कि सारे लोग मैंने 10-20 लोग जो बैठे और कहा कि जो ना आप ही चुनाव लड़िए, 2-3 बार मीटिंग भी हुआ, आप लड़िए चुनाव, आपके ही छवि पर चुनाव जीता जा सकता है। फिर जब हम तैयार हो गए तब चर्चा होने लगी, हमेशा जो अमरेश कुमार के तरफ से कि हम सरपंच पद से चुनाव लड़ेंगे, हम कहे किसी पद से आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चूँकि मुखिया पद पर हैं और आप सहयोग किए हैं, जब पद आप छोड़े हैं तो साथ रहना चाहिए। तो फिर उन्होंने साथ भी रहा, सरपंच पद का उम्मीदवार भी हो गए, फिर हमको कोई आपत्ति नहीं हुआ। फिर चला कि जो लास्ट में हुआ, लास्ट मोमेंट में हुआ, जब नॉमिनेशन शुरू होने लगा तो फिर प्रयास किया गया कि आप इकोनॉमिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं, और सच्चाई है कि मैं
रुपया पैसा से काफ़ी कमज़ोर हूँ और पंचायत की राजनीति में थोड़ा सा आजकल थोड़ा कुछ अलग ढंग के हो गया है, उसमें मैं सूट नहीं कर रहा। छवि मायने नहीं रखता पैसे के सामने? मैं तो समझता हूँ निश्चित रूप से रखता है, लेकिन अपना मन थोड़ा सा दहल गया जो हमने देखा पंचायत का हाव भाव। और उधर से लोग तो कह रहे हैं कि आप पैसा लेके बैठ गए। जी नहीं, ऐसे देखिए आरोप किसी पर लग सकता है, जब रामचंद्र भगवान पर भी आरोप लग सकता है, जब देवता भी आज राजनीति करने के लिए आ जाएंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र का अधिकार है, कुछ भी बोल लें, लेकिन सच्चाई है कि पैसा तो क्या कहते हैं, एक पैसा में हिंदू न होने के नाते गाय के खून के समान होगा। मैं कभी जीवन में किसी से रुपया का पैसा का लेन देन कभी मैंने नहीं किया है और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ, मेरा यही एक पूंजी ही है। कारण कुछ समझ में नहीं आया, आप जो बताए उसमें कारण कुछ स्पष्ट? कारण स्पष्ट यही हुआ कि फिर उनके तरफ जो लोग आपके साथ थे वो उन्होंने चुनाव लड़ने का ठान, हाँ ठान लिया, दावेदारी देने लगे, तो हमको लगा कि अब दावेदारी दे रहे हैं तो इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो हमको बैठ जाना चाहिए। तो हमको लगा उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जो लोग आए? वो तो परिस्थिति बस जैसा होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा, अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि क्या। कुछ लोगों के वजह से इतना बड़ा निर्णय ले लेना कहाँ की बुद्धिमानी है? नहीं, कुछ लोगों के वजह से जो हम देख रहे थे, जो जिस धारा में हम लोग चल रहे थे उस धारा में जो रब... कुछ और डर था? अगर कुछ डर था तो बताएं। नहीं, कोई डर किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, लेकिन षड्यंत्र समझ में आ रहा था। हाँ, षड्यंत्र तो समझ में आ रहा था, दबाव प्रेशर हम महसूस कर रहे थे, कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं हमारे। जैसे षड्यंत्र होता है, एक राजनीतिक होता है षड्यंत्र, एक होता है षड्यंत्र की जीवन की रक्षा भी संभव नहीं है। नहीं, षड्यंत्र हमको समझ में आ रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं इस पंचायत में जो जिनसे हमको बहुत पूर्व से राजनीति बहुत जिस समय हम इंटर में पढ़ रहे थे उनसे ही हमको प्रतिद्वंदिता चलते रहा, और वो उस परिवार के लोग आज भी मैंने पूर्व में भी मेरे साथ तो चाह रहा था कि जीवन में नहीं रहे, जिंदगी नहीं जी पावे, वैसे दौर से हमने संघर्ष किया है राजनीति में, इसीलिए मेरा पढ़ाई लिखाई भी छूटा था और हम राजनीति में आ गए, वैसे लोगों का षड्यंत्र चलने लगा था। फिर भी मैं चूंकि राजनीति में कफन बांध के लोग राजनीति में आते हैं उसकी मुझे परवाह नहीं थी, जीना मरना एक दूसरा चीज़ है। चुनाव के मैदान से बाहर निकलने के लिए आपने तीन चीज़ कहा, एक कहा कि पैसा नहीं था, दूसरा कहा कि हमारे साथ जो लोग थे उनका सहयोग नहीं मिला, तीसरी बात ये भी है कि कुछ लोगों के निर्णय को देख करके आपने अपना निर्णय बदल दिया, तो जनता कैसे भरोसा करेगी आगे आने वाले समय में? मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जनता मालिक होती है, मैं जनता के सामने, मैं जनता पर कोई आरोप नहीं लगा सकता हूँ। जो परिस्थिति बस आया, एक नागो भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे और इन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन इनका भी हिम्मत पस्त हो गया, इन्होंने भी कहा कि जो परिस्थिति हो रहा है जैसा हम लोग देख रहे हैं ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से निराला जी हम लोगों को आने वाले दिन में बड़ी कठिनाई होगी, इन्होंने भी सजेशन किया। जो मेरे साथ चल रहे थे किसी वजह से, मैंने बहुत मैंने किसी का नाम लेना उचित नहीं है, जो मेरे खेमा से चल रहे थे, मेरे साथ चल रहे थे, वो षड्यंत्र के तहत किसी और के साथ चले गए, तो थोड़ा मन थोड़ा घबराहट जरूर हुआ। मतलब अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था? जी 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 जी, इसे कहा जा सकता है, जो ये कहा जा सकता है। जिस समय हमारी आपसे मुलाकात हुई थी काफ़ी आप उत्साहित थे, आप भी बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आपने भी चुनाव लड़ा है, आप मानते हैं कि किसी प्रत्याशी को चुनाव का आगाज शुरू करने के बाद उसे बैठना चाहिए, हट जाना चाहिए, किसी डर से, किसी भय से, किसी षड्यंत्र के डर से? देखिए, षड्यंत्र डर से हम लोग नहीं भागे, हम लोग भागे जनता को, मैंने बड़ा नज़दीक से जाकर हमने देखा, कुछ गुंडे तत्व के लोग थे वो जनता को भड़काना शुरू कर दिए, इतना भड़काना शुरू कर दिए, हम लाए इनको बहुत चीज़ सोच कर जी आएंगे, इनके मैंने परिवार में कोई काम नहीं है, न किस खेती काम करते हैं, पंचायत को कुछ लाभ मिलेगा, इसलिए हम इनको लाए रिक्वेस्ट कर आग्रह कर, लेकिन जनता में हम जनता के साथ बार बार मिलने का प्रयास किए, मिलवो किए। इनका मैदान से हटने में जनता कहाँ दोषी है? जनता दोषी नहीं है, लेकिन जिस मोहल्ला में 5 गुंडे तत्व के लोग थे उनको जनता समझाने का काम भी नहीं किया, देखिए ऐसे नहीं करे, एक बार निराला जी का आवेदन है, एक भी जनता बोलने के लिए तैयार नहीं था, ये कहता था वोट हम देंगे निराला जी के, लेकिन जो उग्र धीरे पकड़े हुए था उसको
मैंने समझाने का काम एक भी आदमी नहीं किया। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे थे जिन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। सही बात है, जो टीम हमने लेकर चला उस टीम में सब एनआर कटा लिए, कोई मुखिया से कटा लिए, कोई सरपंच से कटा लिए, कोई समिति से कटा लिए, देख लिए। तब तो षड्यंत्र उस टीम में ही। हाँ, षड्यंत्र रूप से टीम में था। टीम में था। हाँ, टीम में था। तो हम लोग को मान लीजिए सोचे आप उम्र, हम लोग को उम्र है। लेकिन एक बहुत गंदा मैसेज जो जा रहा है का आरोप लग रही है एक अच्छे छवि पर। आरोप मान लीजिए कृष्ण रन छोड़कर भाग गए थे, हम तो मानव है, कृष्ण भी रन छोड़कर भागे थे। वो तो मानव हित में छोड़े थे। हम भी मानव हित में छोड़ रहे हैं, फैसला जनता लेगी क्या करना है उनको, जिधर जनता जाएगी देख लेंगे, उसी के साथ हम लोग पीछे खड़ा रहेंगे। किए हमसे नहीं बुलवाइए, हमसे बुलवाइए अगर कारण बताइएगा ना। बुलवाइएगा कुछ तो कारण होगा नहीं, नहीं बोलने का। नहीं बोलने का यही कारण है कि हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होगी जो हम जिनको मानते हैं कि वो अच्छे व्यक्ति थे, और आज के डेट में वो साबित नहीं हो पाए कि वो अच्छे वाकई में हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनका समर्थक था और उनके लिए मैंने अपने दम पर जहाँ तक हो सका प्रयासरत रहा उनके लिए, और मुझसे जो बन सका मैं उनके लिए किया, और वो पीछे भाग गए। अब उसमें बहुत बड़ी खामियां। आगे क्या होना है? आगे अब क्या होना है, अब तो क्या बता सकते हैं, अभी आगे कुछ बोलने के लायक तो मुझे बचा ही नहीं है। सुना है आप भी खड़ा हो? नहीं, हम खड़ा होना चाह रहे थे लेकिन हमारा खड़ा होना एक षड्यंत्र था, कोई हम कैंडिडेट नहीं थे, योजना में नहीं था, और जब वो योजना ही फेल हो गया तो हम कैंडिडेट तो रहे नहीं। फिर आगे क्या करेंगे? आगे देखते हैं, समाज के लोग जिधर जो जिस तरीके से जो भूमिका तय करेंगे वो करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि माल पानी भी लिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं माल पानी लिए, ये तो कैंडिडेट महोदय ही बताएंगे ना, जो आप लोग उस टीम के सदस्य हैं। हम उस टीम के सदस्य हैं, लेकिन माल पाने का जो बात होता है वो व्यक्तिगत होता है, वो सार्वजनिक नहीं होता। आप इसे इनकार करते हैं? अभी तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं इस चीज को, नहीं इस चीज को इसलिए इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग इस टीम को लेकर के चले थे और कहीं ना कहीं अंधेरे में रख करके इस डिसीजन को लिया गया, तो कहीं ना कहीं शक तो होता है। और रही बात दो आदमी या चार आदमी भाग जाने से, छूट जाने से, कोई कैंडिडेट अपना नाम वापस ले ले, तो वैसे कैंडिडेट को हम क्या कह सकते हैं। जो 20,000 जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चला हो और वो अगर दो चार आदमी के बदौलत अपना उम्मीदवारी छोड़ दे तो शक तो होगा, ये शक होना तो लाजमी है। अब ये तो हम बता नहीं सकते हैं कि ये वाकई शक मेरा यकीन में बदल जाए कल के डेट में, या शक शक ही रह जाए, या शक मेरा सच हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा हुआ, मैं परना पंचायत का ही वासी हूँ। कितने नंबर वार्ड से? 2 नंबर वार्ड से आता हूँ। और जिन व्यक्ति से आपने साक्षात्कार लिया उनका नाम राजीव शर्मा जी है, और पूर्व से ही पता था, लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा था, भ्रम नहीं या सच्चाई भी महसूस मैंने किया। इनकी जो अपाची गाड़ी है, ये गाड़ी ये अपने भाई हैं, इनका अपना भाई है, और हम लोगों के साथ इन्होंने मिलकर आया और मुझे चुनाव लड़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। और चुनाव लड़ने के क्रम में जब मुझे प्रेरित किया गया तो मुझे भी लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन बाद के दिनों में नहीं सुनिए बाद सर 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 मेक में हाँ। बाद के दिनों में इन्होंने मुझे छोड़ दिया, छोड़ के भाई के साथ इनका गुप्तगू होना शुरू हो गया, लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया। एक दिन मोटरसाइकिल के जो हम लोग जत्था निकाले, उसके बाद इनके साथ न मोबाइल पर मेरा बात हुआ, बातचीत कर पाए, न मेरे सहयोग में इन्होंने खड़ा रहा। मेरा दिल टूटते रहा कि अब जो मेरा सहयोगी है धीरे धीरे टूट कर किसी अन्य लोगों के साथ जा रहा है, और मुझे ये महसूस हो गया कि अपने भाई के लिए सारा षड्यंत्र के तहत काम करते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगाना ये राजनीति का खेल है।
बिल्कुल सही बात है, सही बात है। आरोप प्रत्यारोप लग जाना, लगा देना, ये राजनीति का खेल होता है। बोलिए जी सर। मेरे माननीय अब तो कन उम्मीदवार रहे नहीं, उन्होंने जो बोला कि शक था भाई से गुप्तगु हो रहा था, तो शायद हम ये इनसे जानना चाहते हैं कि इनके पास तो कोई प्रमाण होगा नहीं, आशा करते हैं अगर प्रमाण है तो प्रूफ करें, क्योंकि बेबुनियाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इनके करेक्टर को दर्शाता है। और आप समझ सकते हैं कि जो जनता की भावना को नहीं समझ सका, जो जनता की भावना को नहीं समझ सका, जो अपने जो कारवां लेकर चले थे उनके बारे में एक पल भी जो इंसान नहीं सोच सका कि अगर आज हम भागते हैं, मेरे साथ जो कैंडिडेट बन के जो पीछे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जो दो कैंडिडेट उम्मीदवार के नजरों में आ गए हैं, उनका क्या होगा? तो वैसे इंसान की बात को आप कैसे किस अधिकार से अहमियत दीजिए? चलिए कोई नहीं, हम एक बार फिर आपसे बात कर लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है राजनीति में, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते ही हैं, उस आरोप में कितनी सच्चाई होती है उस जनता को टोटल पता होता है। यहाँ भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, उस आरोप प्रत्यारोप को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, वो आरोप प्रत्यारोप जो है कहीं से सत्ता नहीं है, कहीं से कहीं दूर दूर से, ये तो कह दिए जो हिंदू हम हैं, गाय के खून बराबर हम किसी से नहीं लिए हैं। आगे वाले लोग को सोचना चाहिए, जो कि एक मैंने जीवन भर समाज को सेवा किया है, किसी से आज तक किसी लोभ नहीं किया है, दम घुट कर जिया है इतना दिन, ये तो हम लाए थे इनको, पकड़ कर लाए थे, कोई अपने मन कुछ है नहीं, कहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह। हाँ अफवाह है, कहीं कुछ नहीं।